हमारे बीच में एक अध्यापक और हैं, आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि उनकी मांगे क्या हैं, कि मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैडम आपका नाम? मेरा नाम लौंगी देवी वर्मा है, मैं सरावस्ती जिले से आई हूँ। मेरी सिर्फ ये मांग है, हम लोग सरकार से धोखा खा चुके हैं। हमारा धरना जब गोमती नदी में चल रहा था, सरकार ने हमको बुलवाया दो बार हमारे प्रांतीय अध्यक्षों को, किंतु उसने धोखा दे दिया, समान कार्य समान वेतन का। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने हमको मजबूर कर दिया, हम शिक्षक हैं, मर्यादित हैं, अनुशासन सिखाते हैं, अनुशासन अनुशासित हैं, लेकिन जो राज्य सरकार हमको मजबूर कर दिया है ये जो हमारा धरना करने के लिए, हम धरने पर ना आते, हम वहाँ से गए तुरंत स्कूल जाके बच्चे को पढ़ाने लगे, स्कूल व्यवस्थित चलने लगा। फिर जैसे ही आया 15 दिन के बाद कैबिनेट में कि इनका मानदेय 10,000 किया जाता है, मेरे शिक्षा मित्रों में आक्रोश हो गया। बताइए, तुरंत इनका जो हम माइंड मरना शुरू हो गया। पहली बात तो यही होती है कि जैसे लोग बार बार वार्ता करते हैं, हमारी वार्ता खाली सिर्फ हमारे संगठनों के हमारे शिक्षा मित्र भाइयों ने समान कार्य समान वेतन मान करके घर चले गए, किंतु नहीं हुआ। सरकार हमसे झूठ बोली, इसलिए हम यहाँ आए हैं। बहुत मैं आदरणीय पीएम साहब के चरण में आई हूँ, मैं पांव पकड़ के कहती हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ, प्रणाम करती हूँ, वो हमसे यहाँ से आशीर्वाद दें, क्योंकि उनका एक नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हम भी बेटी हैं, हम किसी की माँ हैं, हम बेटी तो बचा ली है, मेरे 5 बेटियाँ हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, मेरी बेटी 18 साल की हो गई है, मैं उसकी शादी कैसे करूँ, कहाँ से पैसे लाऊँ, 10,000 में हम उसकी शादी कर सकते हैं? मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊँ? आज मेरे बच्चे अब छोटे बच्चे नहीं हैं, वो IAS PCS करने वाले बच्चे हैं। लड़कियों में यह था कि मेरी मम्मी शिक्षिका हो गई हैं, अब मैं भी डॉक्टर बनूंगी। मैं एक गरीब घर से मिलान करती हूँ, मेरे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो रही है, हम धरने में चले आते हैं। अभी मेरे बच्चे कहीं जा नहीं पाए पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। सरकार के तरफ से यह भी था कि सारे कोचिंग सेंटर बंद कर दिए जाएंगे, फीस माफ हो जाएगी, किंतु आज हम देख रहे हैं कि जो महंगे महंगे कोचिंग सेंटर है वो चलाए जाते हैं। मेरे लड़के IAS करने के लिए, मेडिकल की तैयारी करने के लिए वो विवश हैं, किंतु आज मेरे पास मेरा लड़का है, वो भी इंटर पास कर चुका है, उसको मैं कैसे भेजूं?